नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना सैम, आप सभी का स्वागत करता हूं बेशरम गैंग 007 आपके अपने चैनल पे। सो दोस्तों, हमने आज जो इंटरव्यू कंडक्ट किया है उसमें चार शख्सियत को हमने यहां पे बुलाया है, जिनके बारे में, जिनकी जर्नी के बारे में, जिनके स्ट्रगल के बारे में, हर चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे चार गेस्ट जो यहां पे बैठे हैं उनसे। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं आकाश सुरवे। आकाश की जर्नी भी बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है, वो शेयर करेगा आपके साथ। बाजू में बैठी है नेहा जायसवाल, नेहा आपके जर्नी के बारे में आपको डिस्कस करेगी। अभी अभिषेक है जो बिहार से आए हुए यहाँ पे है इंडस्ट्री में, इनको 13 साल हो गए, तो 13 साल की जर्नी आपको शेयर करेंगे वो। साथ साथ बादल सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी एक जर्नी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आकाश, वो आपसे है, ये बात बताओ आकाश की लाइफ ये जो आपकी है ना, मैंने बहुत कुछ सुना आपके बारे में, तो कुछ जर्नी के बारे में आप डिस्कस करिए हमसे, फैमिली के बारे में, क्या कैसा इस लाइन में किस तरह से आना हुआ। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे बुलाया आपके यहाँ पे। तो सबसे पहली बात जो थी कि हम लोग, जैसे मेरे बचपन से मेरे अंदर एक थोड़ा सा एक पैशन था कि मुझे एक्टिंग वगैरह कुछ करना चाहिए या फिर कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने जो मैं स्कूल में था तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करता था, डांसिंग एक्टिंग मैं ट्राई करते रहता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे इसमें करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए। तो फिर मैं जॉब करते करते मैं ये चीज़ को सीखा मैंने सबसे पहले कि कैसे एक्टिंग वगैरह होती है, क्या होती है। फिर मैं इसको अप्लाई करता रहा और अप्लाई करता रहा, फिर मुझे थोड़ा बहुत काम मिलते गए, क्या ना वैसा वो आया, वैसे होता। चलो क्या बात है, अच्छी बात है। आप बताइए कुछ आपके बारे में, लाइन में किस तरह से आना हुआ। सबसे पहले ये बात बताइए कि आप बेसिकली बॉम्बे से ही हो कि कहीं और से हो। मैं हूँ यूपी से। अच्छा, यूपी से आप। हाँ। ओके, तो यहाँ बॉम्बे में आप सेटल हो गए फिर। हाँ। यहाँ आके क्या बात है, घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा भाई छोटा। तो ये लाइन में आने के लिए परमिशन थी उनके आपको? हाँ, परमिशन थी। क्योंकि इस लाइन में आना तो फिर कॉम्पिटिशन तो बहुत सारे तगड़े हैं यहाँ पे। चलो अच्छी बात है कि मां बाप ने आपको परमिशन दी है। अभी अभिषेक बैठे हुए हमारे साथ जो बिहार से आए हुए। अभिषेक 13 साल हो गए ये जर्नी को आपकी, बिहार से लेके मुंबई तक, कोरियोग्राफर से लेके एक्टर तक, क्या बताना चाहोगे इस बारे में? मैं बताना चाहूंगा कि 13 साल हो गए मुझे। तो जब मैं घर पे, मतलब 13 साल का था तब से, मतलब डांस का थोड़ा इंटरेस्ट रहता था कि हाँ मुझे डांस करना है, मतलब रियल बात डांस में ही लाइफ बनाना था। हाँ, सही बात। तो मोहल्ले में जैसे मूर्ति रखते हैं ना सरस्वती पूजा, तो वहाँ पे डांस करते 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 लोगों को अच्छा करता है, तो मैंने वहाँ पे डांस क्लास ज्वाइन किया। सर है वहाँ पे, उनके यहाँ सीखा, 2 साल सीखा, फिर वहाँ से कोलकाता गया, कोलकाता से फिर दिल्ली गया, तो दोनों जगह कहीं भी डांस सिखाया, सीखा भी। फिर पटना गया, फिर पटना से एक जगह और गया, तो एक्टिंग जर्नी मेरे वहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने पटना जाकर थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 2 प्ले किए। प्ले करने के बाद लोगों ने बोला कि प्ले अच्छा कर रहे हो, एक्टिंग सीखो। तो डांस से धीरे 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 अपने लगा, फिर एक्टिंग सीखा, फिर भोजपुरी पिक्चर बैकग्राउंड डांसर, कोरियोग्राफर, ऐसा धीरे धीरे आया, फिर मुंबई आया, देखते आगे क्या होता है। मतलब आपकी जर्नी जो है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, बड़ी लंबी जर्नी आपकी है ना। बादल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बादल आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी है, जो स्कूल में नाटक वगैरह होते थे तो मैंने वहाँ पे भी नाटक किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद से मेरी इस नाटक से या एक्टिंग से ना पढ़ाई में ज़्यादा मैं रुचि लेने लगा, पापा के प्रेशर हो जो भी हो, लेकिन ये हमेशा था एक्टिंग में करना है, तो मैं करता रहता था हमेशा, कहीं भी मौका मिल जाता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि मैं इसको छोड़ दिया था लगभग, तो फाइनली मुझे मिले हमारे अभिषेक जो कि हमारे मोहल्ले की हैं, तो ये हमेशा डांस करते रहते थे, वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे, डालते रहते, तो इनको मैं फॉलो करता था, तो बचपन के दोस्त थे हम लोग। तो मेरी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी, पढ़ाई तो था ही मेन, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना शुरू कर दिया था, और इसके साथ हम लोग जुड़े और साथ में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया यूट्यूब पे हर जगह। तो उसके बाद से हुआ कि अब मुंबई चलते हैं, तो मैं पहले मुंबई आया और जॉब के बहाने आया फिलहाल, उसके बाद से जॉब करना शुरू किया, तब तक अभिषेक जी आए और साथ में उन्होंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद आज जो हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे,
आपके सामने। तो बेसिकली आप दोनों जो यहाँ बॉम्बे में आए हो करियर बनाने के लिए आए, फैमिली पूरी आपकी गांव में ही है। हाँ। क्या बात है। मैंने आकाश के बारे में सुना था कि अभी भी शायद आपके फादर एक्सपायर हो गए, उसके पहले आपकी मदर एक्सपायर हो गई थी, है ना। तो कितना मुश्किल होता है उस चीज के लिए, कभी ऐसा लगता नहीं कि यार चलो अभी रुक जाते हैं, थम जाते हैं, यार आगे बढ़ के क्या करेंगे, कहीं जॉब करते हैं, फिक्स सैलरी लेते हैं, घर चलाना है। एक होता ना एक माँ बाप का साया, वो चीज तो आपको क्या बोलूँ मैं आपको, आप ही बताइए कि किस तरह से आपने ये सब किया है ना। तो बात जो है वो 2015 की है, ठीक है, जब मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी। उसके पहले मैं कॉलेज लाइफ में बहुत इंजॉय करता था, मेरे सब कुछ, मतलब एक जैसे एक छोटा सा बच्चा ही जैसे होता है माँ से जुड़ा हुआ, तो जैसे सुबह उठ के मम्मी चाहिए। तो जैसे मेरी मॉम एक्सपायर हो गई तो सब कुछ पूरा उस दिन से पूरा लाइफ मेरा चेंज हो गया। सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे लाइफ पे आए, तब जाके मुझे समझ में आया कि एक साया जब हटता है एक माँ का तो फिर क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें फेस की लाइफ में कि मुझे जो मुझे नहीं करना था मुझे वो करना पड़ा। सबसे मेन बात तो ये, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना था, मुझे डांस करना था, मुझे कुछ तो एक फेम चाहिए था, पर मैं वो सब सारी चीजें छोड़ के मैंने जॉब कर रहा था जो मुझे नहीं करना था, पर मेरी मजबूरी ऐसी थी कि मुझे करना पड़ रहा था वो चीज। तो मेरे को, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे पापा की, मेरे भाई की, मेरे आत्या की। तो मैंने खुद को यह मना लिया कि थोड़ा दिन तक मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मेरे फैमिली को संभालना है, ठीक है। तो मैंने उनको संभाला और आज उनको मैं संभाल रहा हूँ जॉब करते करते मैं। पर एक चीज का मुझे, मतलब गॉड का ब्लेस है मेरे ऊपर कि मैंने कभी वो चीज को खुद से दूर नहीं किया। जब भी मैं जॉब करता था, जॉब के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलती रहता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे कैसे ना कैसे करना है करके। अभी तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको प्राउड फील करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने को बड़ा किया है, प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया, इतना समझ के लिया। उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि मत कर, ना ही मॉम ने ना ही डैड ने, उन्होंने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया कि नहीं भाई तुझे करना है तो बिंदास कर। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो चार लोग हैं ये एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। यस बराबर। तो नेहा मुझे बात बताओ कि आप लोग किस तरह से जुड़ गए एक दूसरे से, कहाँ मिले आप लोग, कैसे क्या जर्नी रही इनके साथ आपकी। मुझे डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मैंने क्लास ज्वाइन किया और वो क्लास में ये सब थे और दोस्ती हुई तो यहाँ पर आ गई मैं आज। क्या तो भी अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ। बहुत सारा देखता है कि इन लोगों के साथ यहाँ काम करते रहते हैं। हाँ। ना, अभी आपका क्या एक्सपीरियंस था इस बारे में, आप कहाँ मिले आकाश से, कैसे क्या रहा आपका जर्नी। जर्नी का ये रहा कि जैसे मैंने बताया हम लोग वही एक्टिंग क्लास से, अच्छा सारे वही मिले। क्या बात है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसके साथ साथ एक बेशरम गैंग 007 पे ये लोग एक कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है भीख बॉस सीजन 1। भीख मांगना हमारा हक है और ये बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, बहुत ही आपके सामने बहुत जल्दी आएगा ये चीज के लिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आकाश ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से सोचा तुम लोग ने, कैसा ही आइडिया कैसा आया, कि लोगों को मालूम है बिग बॉस तो है पर भीग बॉस, तो ये किस तरह से सोचा आपने सारी चीजें। ये सोचा इस तरीके से कि मतलब हर कोई मतलब कर रहा है, ठीक है ना, हर कोई कुछ ना कुछ तो वीडियोस बना रहा है, पर एक बहुत ना स्पूफ बनाना, एक कॉमेडी वे जो हटके कॉमेडी होती है जो बहुत कम लोग बना पाते, क्योंकि वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक ऐसा सीरीज बनाते हैं जो अब तक शायद ही किसी ने नहीं बनाया होगा। तो जैसे बिग बॉस करके एक बहुत ही कॉमेडी कंटेंट आने वाला है जिसमें सारे हम लोग ने वैसे ही कैरेक्टर उठाया है, बट किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, ये चीज का भी ध्यान रखा है हम लोग ने, और लोगों को बहुत मजा भी आएगा, और वो सारी चीजें हम लोग ध्यान में रख के ही बहुत जल्दी आप लोग के सामने आने वाला है। उसका नाम है भीक बॉस और वो आने वाला है बेशरम गैंग चैनल 007 जो यूट्यूब पे है, देखना आप लोग जरूर। ये और एक बात बताइए मेरे को, ऐसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे कि अभी ने बोला कि 13 साल का मेरा जर्नी है, ठीक है, आपका रहेगा शायद 12-13-15 साल का जर्नी रहेगा, तो वहां से अभी तक जो आए हो सक्सेस कहीं रुक सी नहीं गई थी। जरूर रुक गई थी, मतलब मैंने जैसे कहा आपको पहले भी कि मुझे
काम करना था पर मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं मजबूर था उस टाइम पे, मुझे करना था पर मैं जो फैमिली का जो प्रेशर नहीं बोल सकता उसको, मैं जो मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे संभालनी है उसके वजह से मैं कहीं ना कहीं छूट जा रहा था पीछे, और मुझे सक्सेस दिख रहा था मेरे को कि करना है पर मैं उस चीज को छोड़ रहा था क्योंकि मुझे कुछ लोगों को मेरे जो फैमिली मेंबर उनको संभालना है, तो इस तरीके से मेरा सक्सेस छूटा है। पर मैं ये होप रखता हूँ और मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं आगे जरूर, अभी मैं जैसे काम कर रहा हूँ और मैं जैसे अभी काम करूंगा आगे आगे हम सब जो मिलके जो आपके सामने लेके आ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा और आप लोग उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ जो चार लोग बैठे हैं इनका पैशन इतना है कि इनकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कोई इनकम सोर्स नहीं है, किसी ने जॉब छोड़ा है, किसी ने अपना क्लास छोड़ा है, लेकिन इस लाइन में ये लोग जमकर डटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आपको प्यार और ज्यादा देना चाहिए उस चीज के लिए। एक और बात बताइए मुझे, एक ऐसे क्वेश्चन मेरा जनरल है कि आप ये सब बड़ा जो अभी सेटअप कर रहे हैं बिग बॉस का, ठीक है, तो इतना लाइफ में स्ट्रगल है, जॉब नहीं है, हर चीज अवेलेबल नहीं है, तो सेटअप के लिए कुछ ना कुछ तो लगता है, इक्विपमेंट्स हो या फाइनेंस हो, तो ये आप सबने किस तरह से मैनेज किया? तो मैंने जैसे किया कि उसके पीछे भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी एक दीदी है जिनका नाम है सोनाली मोहित है, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उनको मैं बहुत पहले से मानता भी हूँ, ठीक है। तो हम लोग जब वीडियोज बनाते थे तो हमारे जो वीडियोज जो वायरल हुए थे तो उन तक वो पहुंचे। क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने हमें ये पूछा कि आप लोग चलो एक बार मीटिंग करते हैं हम लोग सब मिलके और कुछ अच्छा आउटपुट निकालते हैं इसमें से, क्योंकि मेरे पास कुछ आइडियाज है अच्छे अच्छे। तो हम लोगों ने जब उनसे मीटिंग किया तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम लोग मिलके कुछ साथ में चालू करते हैं जो सबको बहुत पसंद आएगा। क्या और फिर हम लोग का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसके बाद में, क्योंकि हम लोग के पास में जो नहीं था वो हमें वो दे रहे थे। तो वो यहाँ पे अभी आए हैं, ये सिर्फ हमारे साथ में ही है, तो उनको हम लोग जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुना लीजिए। आ जाओ दीदी, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। बात बताइए हमें कि ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई इन लोगों के साथ? जर्नी अब मैं क्या ही बोलूं, आकाश को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बट एक एज अ फ्रेंड मतलब काफी टाइम से जानती थी, वीडियोस वगैरह उसके देखती थी, मेहनत देखती थी, तो मुझे ऐसे लगा कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत लोग आगे निकल जा रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, बस मैंने ऐसे सोचा कि इन लोग के साथ में हम लोग काम करें। मीटिंग हुआ। क्या हुआ? हाँ, आकाश को मैंने कॉल किया, आकाश को मैंने मेरी बातें समझाई, क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो उसने कहा कि ठीक है हम लोग एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग हुई और आकाश के सारे दोस्त एक साथ आए और काम समझाया, फिर यही से स्टार्ट हो गया। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने अभी बिग बॉस स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से तुम लोग का भी क्लोज हो गया ना, मेरे ख्याल से और ये शूट आप लोगों ने गोवा में किया, आई थिंक, राइट? तो वहाँ की जर्नी कैसी थी गोवा की आपकी? वो तो सपने जैसी थी, गोवा जाना मतलब सब लोगों के सपना ऐसा होता है कि गोवा जाना है और इनके वजह से पॉसिबल हुआ। अच्छा, मतलब पहला गए नहीं थे? फर्स्ट टाइम था। और वहाँ का एक्सपीरियंस भी इतना सही था, मतलब कि हम लोग जब गए वहाँ पे तो हम लोग को जो चीजें नहीं थी वो अवेलेबल सबसे पहला तो हो गई, तो काम का इंटरेस्ट तो दुगना हो गया, ठीक है। और उसके बाद में स्क्रिप्ट वगैरह जो प्रॉपर हम लोग के पास में था तो हम लोग के पास पूरा फोकस था कि अभी चलो जो जहाँ पे जो चीज करनी है उसको वैसे ही करके ही ले जाए हमें, तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी शूट वगैरह था इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ, सुकून है दिल को, सुकून। क्या बात है। मैंने नेहा के बारे में एक चीज रिसर्च की है, मैंने सुना है कि नेहा डरती बहुत है, तो इसका राज क्या है हम जानेंगे आज, किस चीज का डर है नेहा को? तो नेहा क्या ऐसा है कि तुमको डर लगता है, किस चीज का लगता है डर? यहाँ तो तुम एकदम मुझे स्ट्रांग लग रही हो बैठे बैठे, बोलो। एक्टिंग में तो हाथ लगा देती है। डर नहीं है, मतलब हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है डर तो जाता ही है, कैसे थोड़ा इनकी वजह से हम लोग घबराते हैं, डरते नहीं, घबराना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि देखो ये लोग सारे लोग ना बहुत स्ट्रगल करके आए हुए हैं जीवन में, आज इनके पास कुछ नहीं है, आप समझोगे तो ये लोग जीरो है,
फाइनेंस से लेके हर चीज से लेके, किसी ने अपना माँ बाप खोया है, किसी के पास माँ नहीं है तो किसी के पास पिताजी नहीं है, हर चीज में इनको तकलीफ है। आप सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने अपना खुद का एक चैनल तैयार किया है, बेशरम गैंग 007 है। इस पे इनके कंटेंट आएंगे, ऑलरेडी आ भी रहे हैं इनके शॉर्ट्स, मेरे का शॉर्ट्स है ना, तो बहुत सारा इनको दोस्तों आप प्यार दीजिए, इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ इन लोग के लिए भी एक सेटल कुछ हो जाए चीजों का। आपका भी कुछ और भी प्रोजेक्ट आ रहा है मैंने सुना है बिग बॉस के अलावा, बताएं आपसे, बताएगा बताओ। वो एक बिग बॉस के बाद एक और आने वाला शॉर्ट पिक्चर बबुआ, जिसमें आपको बहुत एक फनी कंटेंट देखने मिलेगा, जिसमें पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, पूरे जिसमें क्या बात है, मजा आ जाएगा, फुली कॉमेडी, फुली कॉमेडी। उसके अलावा और कुछ आ रहा है आपका? उसके अलावा भोजपुरी सॉन्ग आ रहा है, जो कि दो है, क्या मजा आ जाएगा सुन के, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और वो भी खुद का ऑफिशियल सॉन्ग है, ऐसा नहीं कि किसी और के सॉन्ग पे हम लोग बना रहे हैं, खुद का ऑफिशियल रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर जो बीट्स वगैरह खुद के है, सारी चीजें अपनी है, तो ये चीज का सुकून है। नहीं बिल्कुल 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 दोस्तों, इनको प्यार सपोर्ट हर चीज कर दीजिए आप, है ना। आकाश थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का भी शुक्रिया, मैम आपका भी शुक्रिया। जिनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानेंगे, उनकी जिंदगी की जर्नी किस तरह से वो आगे आए, किस तरह से मुश्किलों का सामना किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आकाश सुरवे, है ना। सबसे पहले मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करता हूँ आप लोगों को। आकाश सुरवे सर, आपका अपना चैनल है YouTube पे, इसका नाम है बेशरम गैंग 007। उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको बहुत सारा शेयर कीजिए, ठीक है। और बहुत सारा प्यार तुम आप लोग हम लोग को दीजिए, क्योंकि हम लोग और आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इतना अच्छा व्यूज हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को लोग इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा और सपोर्ट करो, और थोड़ा सा प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सकता है उतना प्यार दो, क्योंकि थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलेंगे? क्योंकि बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ें नहीं होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस शूट को हमने स्टार्ट किया है, बहुत मेहनत करे बच्चे लोग भी, तो ज़रूर इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय बाय बाय।